और अब देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट जानने के लिए देखिए दो मिनट में 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में किया सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन। दुनिया की नामी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों ने पेश किए अपने प्रोडक्ट। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा सपना है दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगी हो भारत में बनी चिप। 13 सितम्बर तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया इवेंट। यूपी के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक। बाघ ने एक और शख्स की जान ली। वन विभाग के सुस्त रवैये से नाराज लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। बाघ के हमले से इलाके में पिछले 1.5 महीने में 5 लोगों की हो चुकी है मौत। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने की आत्महत्या। मुंबई में बांद्रा के अपार्टमेंट में छत से कूद कर दी जान। क्राइम ब्रांच की टीम ने शुरू की जाँच। 67 साल के अनिल अरोड़ा लंबे समय से बीमार थे। राजस्थान के सिरोही में बारिश की तबाही। नदी पार करते वक्त 2 बाइक सवार बह गए। राहगीरों ने रस्सी फेंक कर बचाई जान। जवाई नदी के आसपास बढ़ा खतरा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महाराष्ट्र के बीड से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। खाने का बिल मांगने पर वेटर को कार सवार ने करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। रात भर बंधक बनाकर पिटाई के बाद वेटर से लूटपाट की। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक शख्स ने बाइक शोरूम में आग लगा दी। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आई परेशानी। दूर नहीं होने पर नाराज युवक ने पेट्रोल छिड़क कर शोरूम को किया आग के हवाले। मुंबई में तेजस फाइटर जेट पर विराजे गणपति बप्पा। मुंबई के इंटीरियर डिजाइनर ने घरेलू चीजों और वेस्ट के इस्तेमाल से बनाया पूरा एयरक्राफ्ट। वंदे भारत ट्रेन के मॉडल पर भी विराजे गणपति। रूसी सेना ने किया यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा। पूर्वी यूक्रेन में गोला बारूद डिपो को उड़ाने की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने रूसी अटैक को नाकाम करने की रिपोर्ट जारी की। कहा, रूस के 46 में से 38 ड्रोन मार गिराए। वियतनाम में सैलाब में तबाह हो रही है जिंदगियां। यागी तूफान ने मचाई तबाही। मलबे में दबे कई लोगों की अब भी तलाश जारी। तूफान के चलते अब तक 16 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका के लिए चुनौती बनी जंगल की आग। कैलिफोर्निया के धधकते जंगलों की आग बुझाने के लिए अब एयरक्राफ्ट का सहारा। आसपास की हजारों इमारतों में आग फैलने का खतरा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।